Hello and welcome once again in another session of statistics. हम organization of our data यानी कि व्यवस्थीकरण आंकड़ों का ये topic discuss कर रहे हैं. हमने इस particular chapter में अभी तक किस तरह से data को classify किया जा सकता है, जो हमने हमारे रिसर्च के पर्पस से डेटा कलेक्ट किया है, उस रॉ डेटा को हम एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन देने के लिए जो सबसे पहले हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसे किस तरह से हम डिफरेंट सीरीज में कन्वर्ट कर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हमने कुछ सीरीज के केस में अभी तक सीखा है, अभी तक समझा है. अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियोस नहीं चेक की हैं, तो काइंडली जरूर जल्दी से वो चेक कीजिए. आपको इस टॉपिक का जितना भी मैंने पहले कवर करवाया है वो सारी के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे. अब हम देखते हैं कि आज हमारे पास जो रिमेनिंग सीरीज हैं और उसके फर्दर जो कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं, उसमें किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये सीरीज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक करवा चुकी हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज वाला टॉपिक, उसमें हमने ये सीरीज देखी भी थी, समझी भी थी और किस तरह से मीन, मीडियन और मोड में इन सीरीज के इस्तेमाल से, इन सीरीज की हेल्प से हम फिर डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स को अप्लाई कर बेसिकली हमारे रिसर्च से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं. तो देखते हैं कि हमारे पास आज की नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज कौन सी है. देखो आज की हमारे पास जो सीरीज है वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज. मैंने आपको क्या बताया था कि सीरीज जो है एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम व्यक्तिगत श्रृंखलाएं बोलते हैं, एक मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आवृत्ति वाली, जिसको हमने दो कैटेगरीज में स्टडी किया था, एक डिस्क्रीट जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस, एक हमारे पास अभी भी रहती है जिसे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी कि सतत श्रृंखलाएं कहते हैं. देखो देखा हुआ है आपने, लेकिन अगर हम इसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्या है. कॉन्टिन्यूस सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम्स नॉट हैविंग एग्जैक्ट मेजरमेंट आर प्लेस्ड विद इन लिमिट्स. देखो जैसे डिस्क्रीट सीरीज के केस में मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं ना जो डिस्क्रीट नेचर के होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शंस में नहीं माप सकते हैं, तो उसके लिए मतलब जिनमें हम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मापते हैं उनके लिए तो हम डिस्क्रीट सीरीज का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं जहां पर हमने जो डेटा इकट्ठा किया है वो हमें पॉइंट्स में अवेलेबल हुआ है. मतलब कुछ इस तरह की नेचर हमारी रिसर्च की थी कि हमें जो फिगर्स मिली हैं वो पॉइंट्स में भी हैं, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास नहीं आई है. तो जब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आई है, हमारा जो वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस नेचर वाला है, वो डिस्क्रीट वाला नहीं है, तो उस केस में हम कॉन्टिन्यूस सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन सीरीज का इस्तेमाल करते हैं जिनमें क्लास इंटरवल्स बनते हैं. तो ये वे श्रृंखलाएं हैं, ये वे श्रृंखलाएं हैं जिनमें इकाइयों का निश्चित माप नहीं होता, इन्हें सीमाओं में प्रकट किया जाता है. सीमाओं का मतलब होता है क्लास इंटरवल्स, तो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हें एक लिमिट्स में प्रेजेंट किया जाता है और इसे वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल कहा जाता है. अब देखो बहुत ही ध्यान से कि ये किस तरह की दिखती हैं. आपने देखा हुआ है लेकिन हम इसकी हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं वो भी जरूर समझेंगे. देखो यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट किया गया है. देखो मान लो आपको जो मार्क्स हैं वो इस तरह से सीरीज में, या आपने जो डेटा इकट्ठा किया उसके हिसाब से आपने मार्क्स को इन फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया कि जो 10 से 20 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उसको इस क्लास इंटरवल में कवर करूंगी, 20 से 30 जो है उसको यहां पर कवर करेंगे, 30 टू 40 वालों को यहां पर कवर करेंगे और 40 टू 50 वालों को इस क्लास इंटरवल में कवर करेंगे. देखो मैंने क्या वर्ड बोला, क्लास इंटरवल. तो ये चीजें, ये अलग अलग क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, ये वर्ग हैं.
ठीक है, ये क्या है, ये अलग अलग वर्ग हैं, ये 10 से 20 अलग क्लास है, 20 टू 30 अलग क्लास है, 30 टू 40 अलग है एंड 40 टू 50 अलग है। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखिए, देखो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाला 10, 20, 30 एंड 40, ये लोअर लिमिट्स होती हैं किसी भी क्लास की, मतलब एक क्लास की दो क्लास लिमिट्स होती हैं, एक वर्ग की दो वर्ग सीमाएं होती हैं, एक होती है लोअर लिमिट जिसे निचली सीमा बोला जाता है, दूसरी होती है अपर लिमिट जिसे ऊपरी सीमा कहा जाता है। मैंने एरो लगाकर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि कौन सी साइड वाली लोअर लिमिट होती है और कौन सी साइड वाली हमारी अपर लिमिट होती है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, सबसे पहले इधर ये मिड वैल्यू वाला कंसेप्ट देखो, इसमें क्या है, मिड वैल्यू क्या होती है, वैसे तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ये सीखा है, लेकिन मिड वैल्यू किसके बराबर होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देखो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15 आ गया, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 25 आ गया। तो जब इस तरह से ये मिड वैल्यूज निकाल ली जाती हैं, तो हमें, हम इन्हें क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स कहते हैं, मिड वैल्यूज कहते हैं, इन्हें मध्य मूल्य कहा जाता है। अब फिर से एक बात आई कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्ग विस्तार, हमारी क्लास का साइज कितना है, कितना आएगा जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो देखो 10 आ रहा है, सेम आएगा सबका, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में या हम हमारी जब रिसर्च करेंगे और कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर अपने डेटा को डिवाइड करेंगे, तो ये जो वर्ग विस्तार हैं वो सेम होने चाहिए। नॉर्मली तो यही कहते हैं कि ये सेम होने चाहिए, इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के केस में ये चीज समझी भी है कि अगर नहीं सेम होता तो किस तरह से मीन के केस में सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, या मीडियन और मोड के केस में क्या करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो काइंडली वो जरूर चेक कीजिए। अब हम समझेंगे कि ये जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये क्या होती है, और इसके डिफरेंट जो एक तरीके से कह लो कि टर्मिनोलॉजीज जो यूज हो सकती हैं आगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, वो क्या क्या हैं, वो भी मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज को ही आगे फर्दर और कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। देखो बहुत ही आसान है और काफी हद तक आप इनसे फेमिलियर भी होगे, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में आपने किया हुआ है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहली जो होती है वो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसे असम्मिलित श्रृंखलाएं या अपरद्विज श्रृंखलाएं कहा जाता है। दूसरी होती है इंक्लूसिव सीरीज। तीसरी होती है ओपन एंड सीरीज। फोर्थ वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड द फिफ्थ वन इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। अगर आपको ये नहीं भी पता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ये ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव और ये मिड वैल्यू सीरीज कौन सी सीरीज होती हैं। किस तरह से पता चलता है कि कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज एक्सक्लूसिव वाली है या इंक्लूसिव वाली है या कौन सी वाली है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। देखो एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड कर रही है। कुछ इस तरह की सीरीज जो हमने अभी अभी हमारे क्वेश्चन में भी देखी थी, 10 टू 20, 20 टू 30 एग्जाम्पल में अभी जो मैंने आपको बताई है, 30 टू 40, 40 टू 50, जब इस तरह की आपको सीरीज दे रखी हो कि एक क्लास की, देखो अब याद रखना, मैंने आपको तभी पहले टर्मिनोलॉजी सारी बताई है, मैंने आपको क्या कहा था कि ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, तो मैंने क्या बोला है अभी अभी, एक क्लास की जो अपर लिमिट होती है, अभी अपर लिमिट भी मैं आपको बता चुकी हूं, वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो, एक क्लास की अपर लिमिट
नेक्स्ट क्लास की जब लोअर लिमिट हो सेम हो, देखो यहां भी 20 और यहां भी 20 है क्रॉस, यहां 30 है तो यहां भी 30 है, जब इस तरह से हो तो हम उन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये अपर लिमिट्स होती है ना। तो अब यहां पर एक और चीज, एक और अच्छी बात जो एक्सक्लूसिव सीरीज को डिफाइन करेगी, एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती हैं जिनमें जो अपर लिमिट्स होती हैं उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है। देखो मैंने एरो लगाकर यहां लिखा हुआ है, तो एरो इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है कि दीज अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। अगर 20 मुझे फ्रीक्वेंसी में 20 नंबर आ जाता है, मैंने ये कवर किया ना 10 टू 20 इसमें कवर होंगे, मान लो अगर मेरे पास 20 आ जाता है तो 20 को मैंने 10 टू 20 में नहीं कवर करना, मैंने उसे 20 टू 30 में कवर करना है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब ही यही है कि अपर लिमिट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, वो एक्सक्लूड हो रही है, इसमें से बाहर निकल रही है। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती हैं। अब अगर हम बात करें इंक्लूसिव सीरीज की, तो देखो इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती हैं? कुछ इस तरह से दिखने वाली, जिसमें हमें इस तरह से क्लास इंटरवल्स बता रखे हों, 10 टू 19, 20 टू 29। अब देखो इसमें बहुत ही ध्यान से, एक क्लास की जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट नहीं बन रही ना, अलग है ना, डिफरेंस है ना इनमें। तो 10 टू 19, 20 टू 29, 30 टू 39, जब इस तरह की सीरीज हो तो इस तरह की सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। देखो जब उसमें एक्सक्लूसिव था तो मैंने अपर लिमिट्स की जो ये फिगर्स थी, ये जो डिजिट्स थे, इन्हें एक्सक्लूड कर दिया था। तो इंक्लूसिव में क्या होता है? इंक्लूड करना, शामिल करना। तो इसलिए इसमें क्या किया जाएगा, एक क्लास की जो भी अपर लिमिट्स होती हैं उन्हें हम उसी क्लास में इंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नहीं लेकर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, वैसे तो जब मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करवाया है तब मैंने आपको ये बात समझाई है कि मीन, मीडियन, मोड किसके केस में हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मुद्दे की बात, आपको कई बार डिफरेंस आ सकता है कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में, सॉरी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में क्या डिफरेंस है। तो एक तो आपको मीनिंग पता होने चाहिए जो मैंने अभी अभी आपको समझाए हैं। आप इस तरह से एक एग्जाम्पल लिखकर भी फ्रेम कर सकते हो एक डिफरेंस। फिर उसके बाद देखो, जो अभी अभी ये अपर लिमिट्स का एक्सक्लूजन और इंक्लूजन आपको समझाया, दोनों के केस में रिस्पेक्टिवली, ये भी आपका एक डिफरेंस बन सकता है। और एक डिफरेंस आपको ये बनता है कि कुछ स्टैटिस्टिकल रिसर्च इस तरह की होती हैं, या कई बार हमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस तरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं जहां पर इंक्लूसिव सीरीज से काम नहीं चलता। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव सीरीज को तो किसी तरह की फर्दर कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज को कभी कभी, कई बार हमें एक्सक्लूसिव में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। अब कन्वर्ट कैसे होगा, अब ये भी आपको आना चाहिए ना। वैसे तो फिर से मैं कहूंगी कि मैंने समझाया हुआ है, लेकिन मैं यहां पर आपको फिर से रिपीट कर समझाऊंगी कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपने क्या करना है, आपने ये डिफरेंस चेक करना है कि 19 और 20, 29 या 30, इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें 1 का डिफरेंस है ना, 1 के इस डिफरेंस को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, मतलब हाफ कर देना है। 1 का हाफ कितना होगा, 0.5। इस 0.5 को जितनी भी आपकी ये वाली कौन सी लिमिट है, मैंने अभी अभी आपको समझाया है ना लास्ट पेज पे, क्या समझाया था थोड़ी देर पहले, कि ये आपकी लोअर लिमिट्स हैं। तो जितनी भी आपकी लोअर लिमिट्स हैं उनमें से इस 0.5 को माइनस करते जाओ।
जितनी भी आपकी अपर लिमिट्स हैं उनमें इस 0.5 को ऐड करते जाओ, देखना ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह की सीरीज बन जाएंगी, मतलब इस तरह की बन जाएंगी जिसमें एक की लोअर लिमिट दूसरे की अपर लिमिट बन रही है। देखो 10 में से 0.5 गया 9.5, 19.5 में मैंने 0.5 ऐड कर दिया तो 19.5। नेक्स्ट में कर देखो 20 में से 0.5 गया तो 19.5, 29 में ऐड कर दिया तो देखो 29.5, फिर से देखो 0.5 30 में से माइनस कर दिया तो 29.5, इसमें ऐड कर दिया तो 39.5। नेक्स्ट 39.5 जब 0.5 माइनस कर दिया 40 में से और यहां पर 49.5, देखो बन गई ना अब एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट, तो हो गया ना इंक्लूसिव सीरीज का कन्वर्जन एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो कुछ इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज का सारा फंडा आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास ये थर्ड नंबर पे थी ओपन एंड सीरीज। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, खुले सिरे वाली श्रृंखलाएं कुछ इस तरह की दिखती होती हैं ओपन एंड सीरीज, जिसमें हमारी सबसे पहले नंबर वाली क्लास उसकी लोअर लिमिट हमें ना बता रखी हो और हमारी सबसे लास्ट वाली सबसे हायर वाली जो क्लास हो उसकी हमें अपर लिमिट ना बता रखी हो। तो जब इस तरह से हमें ना बता रखी हो तो हम कहते हैं कि खुले सिरे वाली श्रृंखलाएं हैं। अब इनको भी एक नॉर्मल क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है जब हम आगे फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखो रिमेनिंग जितने भी आपके क्लास इंटरवल्स आपको दे रखे हैं आपने इन्हें चेक करना है, आपने इन्हें चेक करना है। अब इन्हें किस तरह से चेक करना है, देखो 20 to 30 कितना डिफरेंस है 10 का, 30 to 40 कितना डिफरेंस है 10 का। तो क्या करना है, जिस क्लास की हमें लोअर लिमिट नहीं पता वो आप माइनस कर दो उसमें से इस 10 को, यानी कि 20 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया 10, तो आपकी फर्स्ट जो लिमिट है वो क्या बन जाएगी 10 to 20। रिमेनिंग जैसी हैं वैसी ही रहने दी, जिसकी अपर लिमिट नहीं पता उसमें वो 10 ऐड कर दो, यानी कि कितना बन जाएगा 40 to 50। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज। अब देखो इसमें क्या है, देखो कई बार हमें इस तरह एक नॉर्मल सीरीज और उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक नॉर्मल फॉर्म में क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव सीरीज और ये फ्रीक्वेंसी हमें इस तरह से नहीं दी होती। इंस्टेड ऑफ दिस सीरीज will be given या will be made as less than or more than series। तो जब less than और more than वाली series होना हमें, तो ज्यादातर हमें cumulative frequency यानी कि संचयी आवृत्ति ही दी हुई होती है। अब संचयी आवृत्ति होता क्या है, देखो संचयी आवृत्ति का मतलब होता है जब पिछली frequency भी साथ में add होती चली जाए उसे हम कहते हैं cumulative frequency। अब देखो मैंने आपको यहां पर दो नाम यूज किए ना, तो मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, एक लेस देन वाली होती हैं और एक मोर देन वाली होती हैं। अगर हम लेस देन वाली की बात करें तो देखो उसमें किस तरह से होगा, बहुत ही ध्यान से, जब भी लेस देन वाली सीरीज बनाते हैं तो अपर लिमिट उठाते हैं, अपर लिमिट वाली लाइन ये वाली लाइन होती है ना राइट हैंड साइड वाली, तो देखो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। अब समझो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, जब लेस देन वाली सीरीज हो तो सबसे टॉप वाला, मतलब जो ये कम वाला हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में जो हमें दिया हुआ होता है, तो उससे शुरुआत करनी है और फिर नेक्स्ट वाले में ऐड करते चले जाना है। जैसे पहले वाली 1 ही आ गई, नेक्स्ट हमने 1 और 2 को ऐड कर 3 लिख दिया, फिर हमने जो हमारे पास ये 3 था इसमें नेक्स्ट 3 ऐड कर 6 लिख दिया, फिर उसके बाद जो ये नेक्स्ट 4 है वो भी नेक्स्ट टाइम ऐड कर हमने 10 लिख दिया। जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी इन फ्रीक्वेंसीज के टोटल के बराबर आना
चाहिए। अगर ऐसा है तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही बनाई है। अगर मोर देन की बात हो तो उसमें हमने लोअर लिमिट्स यूज करनी है, जैसे इसमें अपर लिमिट्स की थी, अब हमने मोर देन के केस में लोअर लिमिट्स उठानी है। तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ठीक है, मोर देन 40। तो देखो कुछ इस तरह से कम और से अधिक, ये दो श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं, ये दो सीरीज बनाई जा सकती हैं। अब मोर देन वाले के केस में फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, इसमें उल्टा है। उसमें मैंने सबसे पहली ये असेंडिंग ऑर्डर वाले के अकॉर्डिंगली सबसे पहली फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी और फिर ऐड करती गई थी नेक्स्ट। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे लास्ट वाले से शुरू कर दो, 4 में 3 ऐड कर 7 में 2 ऐड कर 9, 2 में सॉरी फिर 9 में फिर 1 ऐड कर 10। तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। और इसमें भी वैसा ही कंसेप्ट है कि हमारी टॉप मोस्ट जो मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका जो उसकी जो फिगर हमारे पास आई है 10, वो हमारी इन फ्रीक्वेंसीज के टोटल के बराबर आनी चाहिए। अब देखो अगर मैं मतलब आपको समझाना चाहूं, हमने कहा 10 से ज्यादा कितने हैं, 10 से ज्यादा सारे ही हैं, तो इसीलिए तो यहां पर हाईएस्ट नंबर आया। यहां लेस देन 20 की बात थी, हमने अगर यहां क्लास इंटरवल को चेक किया तो 10 से लेकर 20 में सिर्फ एक ही कवर हो रहा है, तो 20 से कम कितने हैं, एक ही है ना, तो इसलिए यहां पर इस तरह से लेस देन के केस में और इस तरह से मोर देन के केस में हम हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट रिमेनिंग है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिन्हें मध्य मूल्य वाली श्रृंखलाएं कहा जाता है। जल्दी से देख लेते हैं कि ये भी क्या होती है। देखो कई बार हमें क्लास इंटरवल्स की बजाय हमें मिड वैल्यूज दी हुई हो सकती हैं। अब वो मिड वैल्यूज को क्या बोला जाता है, मध्य मूल्य। तो अगर इस तरह से मिड वैल्यूज दी हुई हो तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशंस होंगी, मतलब सेंट्रल टेंडेंसीज के केस में ही मैं फिर से एग्जांपल देना चाहूंगी क्योंकि अभी तक मैंने आपको वही एक टॉपिक कवर करवाया है प्रैक्टिकल फॉर्म का। उसमें हमने क्या देखा था कि मीन के केस में कैलकुलेशन कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, मतलब मिड वैल्यूज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ वी आर सपोज टू कैलकुलेट मीडियन और मोड तो उस केस में हमें क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मिड वैल्यूज जब हमें श्रृंखलाएं जो है वो मध्य मूल्यों की फॉर्म में दी हुई हों, जब हमें क्लास इंटरवल्स की बजाय उन क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू दी हुई हो, जो मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले समझाई है, जब स्टार्ट किया था ये सेशन तब समझाया था कि मध्य मूल्य किसको बोलते हैं, तो अब हमने क्या करना है, इस बार हमने मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनानी है। अब हमने क्लास इंटरवल में देखा है दो लिमिट्स होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट किस तरह से निकाली जाएगी, देखो आपने ये डिफरेंस देख लेना है, चाहे स्टार्टिंग में फर्स्ट एक का ही देख लो लेकिन बाकी भी जरूर चेक करो कि क्या ये डिफरेंसेस सेम है। बिल्कुल सेम है, ये 10-10 के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, m का मतलब है स्मॉल m का मतलब है मिड वैल्यू। m में से ये जो डिफरेंस है जिसे i से डिनोट किया जाता है उसका हाफ माइनस कर देना है अगर लोअर लिमिट निकालनी है तो, ऐड कर देना है अगर अपर लिमिट निकालनी है तो। इस तरह आप जब सबके केस में सॉल्व करोगे तो आपके पास हर एक क्लास की लोअर लिमिट अपर लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखो मैंने एक आपको सॉल्व कर दिखाई है, 15 में से जब ये हाफ का डिफरेंस मैंने माइनस किया, मतलब 5 डिफरेंस माइनस किया तो 10 आ गई मेरी लोअर लिमिट, ऐड कर दिया तो 20 आ गई मेरी अपर लिमिट। देखो अब भी तो 10 और 20 में जो हमारा ये डिफरेंस है, जो विस्तार है, मैग्नीट्यूड है, वो अब भी तो 10 का ही बन रहा है ना, ठीक है।
तो बिल्कुल इस तरह से जब हम बाकियों के केस में भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कुछ इस तरह से फ्रेम हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में बताया, जितना भी मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में बताया, वो आपको सब समझ में आ गया होगा। एक वीडियो इस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए मैं जरूर एक और कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो। तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कमेंट्स इन दी कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि आपको किस तरह वीडियोस लग रही हैं। अगर कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है फॉर मी, देन काइंडली प्लीज रिकमेंड मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।